अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि आपको मालूम है कि काफ़ी दिनों से हमने रेल फैनिंग नहीं की थी, तो आज हमने फैसला किया कि हम कराची के लांडी स्टेशन पर जाकर रेल फैनिंग करेंगे। और इसी तरह हम लांडी के स्टेशन पर पहुंच गए। स्टेशन पर रेल फैनिंग करने के लिए एक चीज़ का ख्याल करें कि प्लेटफार्म ज़रूर ले लें। तो हमने सबसे पहले टिकट घर का रुख किया और वहाँ से अपना अपना प्लेटफार्म खरीद लिया। प्लेटफार्म नंबर एक पे मुसाफिरों का बहुत ज़्यादा रश था, जो कि मेहरान एक्सप्रेस का वेट कर रहे थे। ओवरहेड ब्रिज से हमने ये मंजर कैप्चर किया। हमेशा की तरह मेहरान एक्सप्रेस को प्लेटफार्म नंबर एक पे आना था, क्योंकि मेहरान एक्सप्रेस का डिपार्चर का टाइम हो चुका था। लेकिन रेलवे इंतज़ामिया की तरफ से किसी भी अनाउंसमेंट के बगैर मेहरान एक्सप्रेस लूप लाइन पर आ गई, जो कि प्लेटफार्म नंबर एक के बैक साइड पर था। और लोग बहुत स्पीड से अपनी ट्रेन की तरफ उमड़ पड़े। मुलाहिज़ा कीजिए मेरी वीडियो में। अचानक से प्लेटफार्म नंबर एक से एक ट्रेन बहुत स्पीड से गुजरी। यही वो ट्रेन थी जिसकी वजह से मेहरान एक्सप्रेस को लूप लाइन पे जाना पड़ा। पैसेंजर्स का रश होने की वजह से बहुत ज़्यादा अफरा तफरी का समा देखा हमने। जो कि एक नामुनासिब सी बात है। तथा मेहरान एक्सप्रेस 20 मिनट तक लूप लाइन पर खड़ी रही। तमाम मुसाफिरों के मेहरान एक्सप्रेस में सवार होने के बाद तकरीबन 20 मिनट तक खड़े रहने के बाद आखिरकार मेहरान एक्सप्रेस को परवाना मिल गया और वो अपने सफ़र की तरफ रवाना हो गए।
मेहरान एक्सप्रेस के जाने के बाद हमें डाउन ट्रैक पे प्लेटफार्म नंबर 2 पे एक इंजन गुजरता हुआ नज़र आया, उसको भी हमने जाना हुआ और कैप्चर कर। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। पहले भी मैं अपने चैनल पर रेल पैनिंग के हवाले से कुछ वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। आपके लाइक करने से हमारी बहुत हौसला अफजाई होती है। और रेड कलर के बटन को दबा कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और घंटी के निशान को दबा दें ताकि मेरी कोई भी वीडियो अपलोड होने के बाद आपको मिल सके। शुक्रिया। वीडियो को मुलाहिज़ा करें। बंदा घूमता फिरता है, कराची एक्सप्रेस इतने बजे आती है, एशिया इतने बजे आती है। अंधेरा हो चुका था और वीडियो बनाना नामुनासिब था, लेकिन हमने एक स्पीड से गुजरती हुई ट्रेन कैप्चर की, वो भी आप मुलाहिज़ा कीजिए।